भी है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इसराइल। तो अगर तो इसके अलावा अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं, अमेरिकन जो है ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वहां से जो है कुछ लोगों को वहां पे भेजने का ऐसा उनका तुक नहीं बनता बिकॉज वो एक डेवलप्ड कंट्री है। सर इसराइल की अगर हम बात करें तो अगर उसको बहुत सारी इस्लामिक कंट्री ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, तो उनके पास ऑप्शन भी बहुत कम बचती है, जिनमें से एक अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के लिए उनकी बहुत अच्छी और सुटेबल ऑप्शन है इंडिया इसराइल के लिए। दुबई में पहले सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी जाते थे, अब हिंदू बंगाली सब मिक्स हो गए। क्यों? हम मुसलमान है ना, हम एक से दो ज्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते, हमने रात को मुर्गा खा के सोना है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। हिंदू पता क्या करते हैं, जिधर आपकी 10,000 तनख्वाह ना, हिंदू आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। और वो आप जाएं कभी दुबई का देखें, वहाँ पे एक कमरे में 15-15 हिंदू, 15-15 बंगाली ये लोग रह रहे हैं, इवन फिलिपाइन जो है, फिलिपाइन के लोग भी हैं, मुसलमान नहीं ऐसे करते। दे हैव इंपैक्ट इन द मार्केट एंड इंटरनेशनल स्टेट्स के, यस इंडियन वर्कर्स आर वेरी कैपेबल एंड दे कैन डू एनीथिंग। और अगर हम लोग देखें, मैं एक आईटी इंडस्ट्री का बंदा हूँ, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में देखूँ तो यस इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेट पर हम लोगों को ट्रेन किया जाता है और हमें उसी पर रखा जाता है, हमें बियॉन्ड द बॉक्स जो है उसकी जो थिंकिंग है ना, वो उसको अप्रोच करने की परमिशन नहीं दी जाती। दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। रिसेंटली अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने जो अपनी बेसिकली एक अंडर वाटर जो एक ट्रेन का उन्होंने स्टेशन लॉन्च किया है, वी कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि यार हम भी ऐसा करेंगे, बट दे हैव एक्चुअली मेड इट, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें, वो आईटी में, एजुकेशन सिस्टम में, इकॉनमी में, हर चीज़ में जो है पाकिस्तान में हमसे जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा आगे हैं। डेफिनेटली जब उनके उनको वहाँ पे सोर्सेज ज़्यादा हैं, उनको जो है अर्न करने के मौके ज़्यादा मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी उतनी ही ज़्यादा मैन पावर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना, हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं, ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया, हम इंडिया को क्या कह सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो, आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूँ तो पाकिस्तानी हमेशा मुसलमान मुसलमान करते रहता है, भारत से दुश्मनी की बात करते रहता है, हमेशा भारत की बुराई करते रहता है और सारे हिंदुओं को, सिख को और क्रिश्चियन को काफिर काफिर बोलता रहता है। लेकिन अब कुछ पाकिस्तानी समझ रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं, लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर आज मैं आपको एक पाकिस्तानी को सुनाने वाला हूं जो कि भारत की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि भारत के लोगों की पूछ पूरी दुनिया में क्यों बढ़ रही है, भारत के लोगों की पूछ पूरी दुनिया में बढ़ रही है और भारतीयों का सम्मान पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है। यहाँ पर यह काफ़ी डिटेल से अच्छे से बताता है, लेकिन वहीं पर कभी कभी यह सुर बदल देता है और दूसरे लोगों को काफिर भी कह देता है। इसमें इसने एक बार काफिर बोलकर दूसरे लोगों की बेइज्जती भी की है, लेकिन अधिकतर बात यह तारीफ करता है और कहता है कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं उसकी तारीफ होती है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए मिलकर सुनते हैं कि यह पाकिस्तानी कैसे भारत की तारीफ कर रहा है और बता रहा है कि पूरे दुनिया में भारतीयों का इज्जत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाकिस्तानी की वीडियो। मोहम्मद उसामा। उसामा क्या करते हैं? मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, आईटी इंडस्ट्री में होता हूं। जबरदस्त। आपको पता है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, इंडिया की जानिब से अपने वर्कर्स का पहला बैच इसराइल में भेजा गया है काम करने के लिए। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और वहाँ पर इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। इन इंडियन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी भी दी गई है इसराइल की जानिब से। इसराइल के एम्बेसडर ने इंडिया का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि आपने अपने वर्कर्स को हमारे मुल्क में भेजा। और अभी ये पहला बैच गया है जिसमें 60+ जो है इंडियन वर्कर्स मौजूद हैं और अभी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो इंडिया से वर्कर्स कतारें बांध कर लंबी लंबी वेट कर रही हैं कि उनका नंबर कब आएगा, कब उन्हें मौका मिलेगा कि वो इसराइल में जाकर काम करें और पैसा कमा सके। क्या कहना चाहेंगे आप सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा आप बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो ये वाकई ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करेंटली सर्कमस्टेंसेज इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स को अगर हम लोग देखें तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द राइट नाउ टाइम। तो इंडिया जो है अगर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो करेगा, क्योंकि इस टाइम इसराइल को इंडिया की सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देम के दैट इज़ द दे आर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड हो, आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन, क्योंकि इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। तो देखते हैं डेवलपमेंट है इसका क्या नतीजा निकलता है। बाकी अगर हम लोग वैसे अकॉर्डिंग टू द ग्लोब देखें तो इंडियन जो वर्कर्स हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो काम कर रहे हैं। कनाडा में चले जाएँ तो देर आर अ लॉट ऑफ सिख कम्युनिटी इन द कनाडा एंड दे आर वर्किंग इन देयर गवर्नमेंट एंड देयर ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर हम लोग दुबई में चले जाएँ, यूएसए में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, उसके अलावा हमारे अगर मिडल ईस्ट के रीजन में आ जाएँ तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद चाइना। तो अगर हम लोग इसको एक पॉजिटिव एंड से देखें तो दैट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस तरह एक वार्म वेलकम देना, उसको ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि लाइक देयर ब्रदर इन राम, जिसना हम लोग मुस्लिम्स हैं, इस देर आर टोटली टू सेपरेट फिरकाज, एक मुसलमान है, एक काफिर है। तो हमारे एंड से एक तो वो काफिर हैं और वो ब्रदर इन राम्स हैं।
एंड नहीं, हम यही बात देखें ना, मैं वही बात कर रही हूँ, अगर हम इसराइल और फलस्तीन की जंग को एक तरफ रख कर सोचें तो अब आप ये देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग तैयार हैं इसराइल में जाने के लिए काम करने के लिए, और ये जो एग्रीमेंट है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हुआ है। अब आप देखें जिस तरह आपने बात की कि दुनिया में हर जगह इंडियंस को जो है वेलकम किया जाता है, बाजू खोल के उनका इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडियंस जो हैं वो कितने काबिल हैं, वो आई टी के निज़ाम में हों, वो कंस्ट्रक्शन के निज़ाम में हों, वो किसी स्पेस साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। आप देखें कि इंडियंस का गलबा पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जाते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि दे हैव इम्पैक्ट इन द मार्केट एंड इंटरनेशनल स्टेट्स के यस इंडियन वर्कर्स आर वेरी कैपेबल एंड दे कैन डू एनीथिंग। और अगर हम लोग देखें, मैं एक आईटी इंडस्ट्री का बंदा हूँ, अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में देखूँ तो यस इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेट पर हम लोगों को ट्रेन किया जाता है और हमें उसी पर रखा जाता है, हमें बियॉन्ड द बॉक्स जो है उसकी जो थिंकिंग है ना वो उसको अप्रोच करने की परमिशन नहीं दी जाती। इंडियंस जो हैं वो हर जगह पर टच करते हैं, चाहे वो यूके है, यूके इज़ द मेन हब फॉर अस, जो हमें समझ आती है कि यस यूके में ही जो है वो पूरी की पूरी नेटवर्किंग जो है या कोई इस तरह की जो चीज़ है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड मेजरली वो वहीं से लॉन्च हो रही है और वो चल रही है। देखिए कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन रीजन से बिलोंग करता है, ऋषि सुनक। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उन लोगों ने उधर जाके मेहनत की है, उन लोगों ने अपना एक इम्पैक्ट डाला है कि जी हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो काम करके दे रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है। तो इसलिए अगर वो दुनिया में किसी भी कोने में जाके अगर वो एज अ लेबर जाते हैं या एज अ कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो उनको वार्म वेलकम किया जाएगा। ये तो एक, आपने कभी देखा है कि पाकिस्तानी वर्कर्स को किसी मुल्क में जाके यूएई में या सऊदीया में बात कर लें, वहाँ पे ईरान इराक में हमारे वर्कर्स जाते हैं, कभी उन्हें वहाँ पे वेलकम किया गया और फेयरवेल पार्टी देकर? अभी तक तो जो स्टेट्स हैं उनके मुताबिक तो यही है कि नहीं, कभी भी पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनको ऐसा वार्म वेलकम नहीं किया गया बेसिकली। तो दोस्तों देखा किस तरह से यह पाकिस्तानी बता रहा है कि भारतीय जहां भी जाते हैं उसकी पूछ होती है, उसका रिस्पेक्ट होता है, यानी कि कुछ पाकिस्तानियों को अब समझ में आने लगा है कि भारतीय हकीकत में आगे बढ़ रहे हैं और भारतीयों की पूछ पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अधिकतर पाकिस्तानी इससे बेपरवाह हैं, इससे नादान हैं, इससे नासमझ हैं, उसे इसकी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों इस पर क्या है आपकी राय, क्या कहना चाहते हैं ऐसे पाकिस्तानी को कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इस लोगों को पता चल सके आपकी राय क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।